द ग्रीन पैनेसिया, पुट द टॉपिक द ग्रीन पैनेसिया, द ग्रीन, यह स्टैंडर्ड खत्म हुआ, डन, कुछ तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम से अगर करेंट अफेयर में कोई भी टॉपिक पढ़ो, उसके आगे पीछे दाएं बाएं सब पढ़ डालो उसी टाइम पे, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ यूपीएस। और उसके बाद ये न्यूज में क्यों आया, ये हो सकता है फसाई दो महीने बाद न्यूज में आ जाए, तो आपको अब ये ध्यान में रखना है। ग्रीन पैनेसिया, व्हाट इज पैनेसिया, व्हाट इज पैनेसिया, पैनेसिया क्या होता है, नाम सुना पाले कभी पैनेसिया का, क्या होता है, पैनेसिया किसको बोलते हैं, जो हर मर्ज की दवा हो, जितनी बीमारी हो सबका इलाज हो, बोलते हैं पैनेसिया ही। यूपीएससी द पैनेसिया फॉर ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज, यूपीएससी क्लियर करो जो चाहिए मिले, राइट। तो यूपीएससी पैनेसिया हर टाइप के सर्विसेज का, यहां टर्म यूज हुआ है ग्रीन पैनेसिया, मतलब कोई ऐसी चीज, ग्रीन टर्म कहां यूज करते हैं आजकल, एनवायरमेंट ग्रीन मीन्स कोई ऐसी चीज जो एनवायरमेंट फ्रेंडली रहा होगा, राइट, दैट्स व्हाई द टर्म इज यूज्ड ग्रीन पैनेसिया। तो पहले इसे डिफाइन करो कि ग्रीन पैनेसिया होता क्या है, देखिए द ग्रीन पैनेसिया इज प्लांट वेस्ट मिक्सचर, प्लांट बेस्ड मिक्सचर ऑफ बायो मटेरियल, वो लाइन छोड़ दो, बायो मटेरियल जहां लिखा एक लाइन छोड़ दो, क्योंकि उससे भी समझेंगे कि बायो मटेरियल क्या हो, कॉमा, बायो सर्फेक्टेंट, बायो मटेरियल हो गया, ये होता क्या है समझेंगे, बायो सर्फेक्टेंट, सरफेस होता है ना सरफेस, उससे बना है सर्फेक्टेंट, इसे भी समझेंगे ये क्या होता है, क्या लिखा, ग्रीन पैनेसिया इज प्लांट बेस्ड मिक्सचर ऑफ बायो मटेरियल, बायो सर्फेक्टेंट एंड एनपीके फर्टिलाइजर, एनपीके नाइट्रोजन पोटेशियम, सॉरी नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम, एनपीके फर्टिलाइजर्स। अब इसे ब्रेक करते हैं कि ये है क्या, फिर देखेंगे कि न्यूज में क्यों आया है। और यूपीएससी अब सोचो कैसा क्वेश्चन पूछेगी, अगर आपने पिछले कुछ साल के क्वेश्चंस देखे हैं जो हर किसी को देखने चाहिए, प्रिपरेशन का एक पार्ट डेली एक घंटा दो क्वेश्चन पे, मेंस और प्री के क्वेश्चन पे, मोटिवेशन मत पढ़ा करो कि सृष्टि देशमुख कह रही है कि ऐसे 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 करना, उसको खुद नहीं पता था कि 105 नंबर आएंगे कि फेल कर जाएंगे, 105 मार्क्स थे उसके, सी वाज नॉट कॉन्फिडेंट, कोई कॉन्फिडेंट नहीं होता, मैं भी कॉन्फिडेंट नहीं था, कोई नहीं कॉन्फिडेंट होता, सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल हो, ये मोटिवेशन करते हैं जब पेपर निकल जाता है इनका, तो ठीक है, मोटिवेशन पढ़ने की बजाय प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखा करो, मेंस के क्वेश्चन देखा करो कि वो पूछते क्या है, जिस दिन ये दिमाग में फिट हो गया ना कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है और आप वो टॉपिक पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन आ जाएगा घूम के, तो आप वैसे ही पढ़ेंगे, यू विल बी द टॉपर, अदरवाइज टॉपर्स को ये नहीं पता होता है, कोई नहीं कह सकता कि मैं टॉप करूंगा, उसका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, 90% यूपीएससी के एस्पिरेंट ये नहीं कह सकते श्योरली कि उनका रिजल्ट भी आएगा कि नहीं, और टॉप करने के बाद तो एक दूसरे को ऐसे शरीर पे चूटी कटवाते हैं, देखो मैं हूं क्या सच में, एग्जिस्ट करता हूं, ये फैक्ट है। टीना डावी के नाम तो सुना ही होगा ना, क्यों सुना है टीना डावी का नाम, क्यों सुना है आपने, टॉपर, कैसे टॉप किया उसने, नहीं मेंस में तो रिजर्वेशन नहीं है, टॉपर का मतलब हो गया कि वो जनरल को भी पीछे छोड़ दिया,
बट यस रिजर्वेशन प्लेट द रूल वेयर इन प्रीलिम्स सी वाज माई कुलिंग इन विजन आईएएस जब हम तब मैं उसमें लिखा करता था एक टाइम पे मैं विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज लिखा करता था फिर एक टाइम पे मैं वही कॉपी इवैल्यूएट करने लगा मैं वहां पे एस्पिरेंट्स को हेल्प कर रहा था तो जब हम दोनों स्टूडेंट थे सी जस्ट स्कोर्ड 93 एंड कट ऑफ वाज 93 93 और 94 में भी 0.1 मार्क भी अगर उसके कम होते जो यूपीएससी में होते हैं अभी एक उत्तराखंड का रिजल्ट आया है और यूपीएससी का एस्पिरेंट कुछ हो ना हो वो ऑनेस्ट जरूर हो जाता है अपने साथ भी दूसरों के साथ उत्तराखंड पीसीएस है वहां का एक रिजल्ट आया है मेरा खुद का जो वहां पे रुका है रिजल्ट वो 0.065 मार्क्स इनको आई कैन इमेजिन इट इज नॉट 0.1 इवन और मैं यहां मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि तो आदत पड़ जाती है इन चीजों की अगर टीना डावी के 0.1 भी कम रहते ना टॉपर को छोड़ दो जानते ही नहीं कि कौन है ये बट देन फ्रेशर्स थी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा हुआ है कॉलेज से अभी पास हुई है उसको आइडिया है पेपर लिखने का पेपर उसने लिखा तो फर्स्ट इट्स मैटर कि आपको एक पिलर आपका स्ट्रांग होना चाहिए इसका मतलब ये नहीं है कि प्रीलिम्स हमेशा ऐसे ही निकलता है सृष्टि देशमुख का 105 है एक लड़की है मिताली सिट्ठी उसके 35 रैंक है और उसके प्री में मार्क है 144 मीन्स वो प्री दे के आई और बिल्कुल निश्चिंत पड़ी हुई है लोग कट ऑफ खेल रहे हैं पास होऊंगा कि नहीं और वो 7 दिन तक किताब उताब देख के पढ़ी हुई है कि इस बार तो मैं मेंस लिख ही रही हूँ वो दिमाग में सोच रही है स्ट्रेटजी बना रही आपको ऐसा बनना है बिकॉज ये टॉपर्स तो जरूर हो जाते हैं लेकिन ना जाने कितने टॉपर जो प्रीलिम्स ही क्वालिफाई ना किए फिर उनका हुआ ही नहीं कभी वो अगर उनको मौका मिलता प्रीलिम्स के बाद तो अच्छा लिख सकते थे प्रीलिम्स इज डिफरेंट मेंस इज डिफरेंट मेंस का एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसके आंसर आप नहीं लिख सकते हाँ क्वालिटी नहीं होगी बिना प्रैक्टिस बिना नॉलेज क्वालिटी नहीं आएगी लेकिन एक सिंगल क्वेश्चन प्रीलिम्स मेंस का ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पता होगा किसको नहीं पता है कि इंडिया श्रीलंका का रिलेशन कैसा है 10 लाइन तो कोई भी लिख सकता है ना क्या कोई डाउट है इसमें नहीं सो आई मीन टू से मैं था कहां यहां कैसे चला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चंस का आइडिया होना चाहिए यही डिसाइड करेगा कि आप जो सीख रहे हैं वो सही है या आप कट ऑफ नहीं खेलेंगे पेपर देने के बाद आप इस टेंशन में नहीं रहेंगे कि कट ऑफ आएगा कि नहीं कम से कम 130 टारगेट लेके चलो और इतना स्कोर करो बाकी ऐसा नहीं है कि हमेशा आपके साथ लक बुरा होगा या ये होगा ऐसा कुछ नहीं होगा और करेंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है अच्छा वापस आओ ग्रीन पेनेसिया क्या है मिक्सर है किस चीज का बायोमटेरियल इतना तो समझ में आ गया होगा कि जब पेनेसिया का मतलब होता है कि वो हर चीज का इलाज कर देगा तो ग्रीन पेनेसिया कोई ऐसा टेक्निक होगा जिससे कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाएगा पॉल्यूशन कम किया जा सकेगा क्लाइमेट चेंज को रोका जा सकेगा वगैरह वगैरह राइट बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सकेगा यही सब चीजें होगी ना इसमें तो पहले ये समझते हैं कि यह है क्या बायोमटेरियल व्हाट इज बायोमटेरियल देखो यूपीएससी क्वेश्चन कैसे बनाएगी रिसेंटली ग्रीन पेनेसिया वॉज इन न्यूज विच इज अ मिक्सचर ऑफ प्लांट वेस्ट बायोमटेरियल बायोसर्फेक्टेंट एंड एनपीके फर्टिलाइजर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ग्रीन पेनेसिया नंबर 1 बायोमटेरियल्स आर दिस Biosurfactant are this. Recently it was used in Andaman Nicobar or Lakshadweep, whatever. So first define the biomaterial. What is biomaterial? Kya hota hai biomaterial? Plant product. Jaise? No. यही यूपीएससी और दैट्स वाई इस टॉपिक को हमने सुना अगर ये इतना सिंपल होता तो ग्रीन पेनेसिया पढ़ ही नहीं रहे होते
क्योंकि यूपीएससी इस पे क्वेश्चन बनाएगी, ज्यादातर बच्चे यही ऑप्शन मानते हैं कि गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया, गांधी जी ने चलाया था ना, क्वेश्चन आया था एक मेरे टाइम पे 14 में, क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड वाई, क्विट इंडिया मूवमेंट क्यू आई एम, यही अगस्त क्रांति मैदान से हुआ था ना, मैदान है ना यहाँ पे, फील्ड नहीं है, अगस्त क्रांति, क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड वाई इनिशिएटेड वाई महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एक और नाम, एंड देन पब्लिक, इट वॉज पब्लिक, गांधी तो पहले ही अरेस्ट होके चले गए, गांधी ने कहा कल क्यू आई एम चलाएंगे भाई, कल मूवमेंट चलाएंगे, कल से भारत छोड़ो आंदोलन, और आज ही शाम में गांधी को भेज दिया गया जेल, लेकिन पब्लिक को नहीं पता था कि गांधी जेल में, पब्लिक आ गई, तो इट वॉज वाई पब्लिक एंड यूपीएससी थिंक लाइक दिस, वो उन पॉइंट्स को सोचती है। तो अगर बायो मटेरियल केवल सिंपल चीज होता तो हम नहीं पढ़ रहे होते। हार्ट वाल्व का नाम सुना है आपने, हार्ट वाल्व, किसी का दिल खराब हो जाए, हार्ट तो उसमें वाल्व, आर्टिफिशियल हार्ट सुना होगा आपने, पेसमेकर, आर्टिफिशियल लिम्ब सुना होगा आपने, आर्टिफिशियल लिम्ब, लिम्ब LIMB, आर्टिफिशियल लेग सुना होगा आपने, ये सारे बायो मटेरियल। बायो मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कैसा फंक्शन? बायोलॉजिकल। हार्ट का क्या काम है? और देना लेना तो ठीक है, लेकिन और क्या काम है? ब्लड पंपिंग, ब्लड प्यूरिफाइंग, राइट? तो ये कैसा फंक्शन है? बायोलॉजिकल फंक्शन है। ये कौन करेगा? बायो मटेरियल करेगा। मीन्स पेस मेकर, हार्ट वाल्व इज ए बायो मटेरियल। तो आप यहां लिख लो ब्रैकेट में, विच परफॉर्म्स बायोलॉजिकल फंक्शन, एग्जाम्पल के लिए हार्ट वाल्व, आर्टिफिशियल लीम एटसेट्रा। नाउ वायो सर्फेक्टेंट, वायो सर्फेक्टेंट, फर्श पे पानी गिर जाए तो अब तो एक वाइपर आ गया है ना, गांव में आज भी वाइपर नहीं होता, कैसे सुखाते हैं? कैसे सुखाते हैं? या चलो मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, टिपिकल टाइप का थोड़ा सा, एक कूलर है, कूलर, हर किसी के पास एसी नहीं होता, कूलर भी होता है, कूलर को बिल्कुल सुखा करके और थोड़ी देर चलाना है, उसके अंदर पहले पानी भरा हुआ है, कैसे पानी निकालो? पाइप से बूंद बूंद तो नहीं निकल जाएगा बिल्कुल, उसमें तो वाइपर नहीं चलाओगे ना, कैसे निकालोगे? पूरा बूंद बूंद निकल जाएगा एक एक ड्रॉप, थोड़ा वेट तो रहेगा ना, फिर आप क्या करते हैं? सूखा कपड़ा डाल के उसमें से वो करते हैं, तो वो क्या काम कर रहा है? बायो सर्फेक्टेंट का काम कर रहा है, सरफेस से वेटनेस को दूर कर रहा है। एक्चुअली आप अगर स्पंज को यूज करें, स्पंज, स्पंज कौन सा? वो रसगुल्ला वाला नहीं, ममता बनर्जी वाला नहीं, रसगुल्ला नहीं, वो भी स्पंज है, अलग दबाओ तो उसमें से रस निकलता है, स्पंज वो आता है ना, आप उसको पानी में डालो वो पूरा सोख लेता है, राइट? ऐसा ही स्पंज यूज किया जाता है वाटर को प्यूरिफाई करने, वो प्योर वाटर को सोख लेता है, कीचड़ रह जाएगा, फिर उसको दूसरी तरफ डाल दो, दैट इज हाउ बायो सर्फेक्टेंट वर्क। वायो सर्फेक्टेंट में ऐसे मटेरियल्स यूज किए जाते हैं जो सरफेस को क्लीन कर, जो वाटर को क्लीन कर, मान लो कीचड़ वाला पानी है, मैं उसे साफ करना चाहता हूं बिल्कुल नेचुरल तरीके से, मेरे पास स्पंज है, मैं स्पंज को उसमें डुबाऊंगा और फिर दूसरी तरफ नहीं छोड़ूंगा, तो उसमें से क्या पूरा कीचड़ आएगा या ज्यादा वाटर आएगा? स्पंज कीचड़ को लेगा क्या अपने अंदर? नहीं, उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं है, उसका एटॉमिक साइज ही उसके बराबर नहीं, राइट ना? तो
तो आपको केवल वाटर मिलेगा। ओशियंस में जब ऑयल स्पील होता है टैंकर से तो बायो सर्फेक्टेंट का काम किया जाता है, कुछ नेचुरली बायो सर्फेक्टेंट पाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जैसे मैंग्रोव, मैंग्रोव पूरा महाराष्ट्र मैंग्रोव है, सेंट्रल लाइन। मैंग्रोव का काम क्या है, गंदे पानी को साफ करना। उसकी रूट्स वाटर के अंदर होती है, एकमात्र ऐसा प्लांट है जो वाटर के अंदर होता है और सॉल्टी वाटर में होता है वो, और उसको प्यूरिफाई करता है वो। तो मैंग्रोव से एक वायो सर्फेक्टेंट कहा जाएगा। वायो सर्फेक्टेंट हर वो मटेरियल है जो सरफेस को क्लीन कर दे, राइट। देन एनपीके, ये फर्टिलाइजर का ग्रुप है। इंडिया में दो टाइप का फर्टिलाइजर फेमस है, एक यूरिया एक एनपीके। एनपीके मतलब है नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम का कॉम्बिनेशन। आपको बच्चे ये समझने की मेन जरूरत थी, यूपीएससी इन दोनों के बारे में नहीं पूछेगी, वो ये नहीं पूछेगी कि एनपी का क्या मतलब है। वो जानती है कि आपको पता है, भले आपको नहीं पता हो तो इसका फायदा उठाओ। सारी चीजें आपको नहीं पता है लेकिन वो पूछेगी भी नहीं, उसे यूं लगेगा नहीं एनपी के तो पता होगा, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम का कॉम्बिनेशन 1:1, है ना। बट ये चीजें किसी को नहीं पता, अभी अभी नया नया चल रहा है बायो मटेरियल, जो कहां यूज हो रहा है, ग्रीन पेनेसिया में। तो फर्स्ट थिंग कि ग्रीन पेनेसिया आया समझ में, किसका कॉम्बिनेशन है, बायो मटेरियल, बायो सर्फेक्टेंट एंड एनपीके। नाउ पुट द टॉपिक, व्हाई न्यूज, ये न्यूज में क्यों है। लिखिए, इन जून 2023, मैं बार बार जून इसलिए लिखवाऊंगा कि जब आप एक बार पढ़ेंगे लास्ट में, कभी रिवीजन करेंगे तो आपको याद आएगा कि ये जून से रिलेटेड था, राइट। तो पेपर में जब पूछा जाएगा 24 में तो टॉपिक देख के याद आ जाएगा कि ये कौन से महीने में हुआ था, है ना। अदरवाइज एक साल का पूरा इकट्ठा हो जाएगा तो फिर खिचड़ी बन जाएगी, कौन कब हुआ था क्या हुआ था। आप मंथ वाइज पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। सो राइट ऑन, इन जून 2023 IASSI कैपिटल लेटर में, IASSI कैपिटल लेटर में ब्रैकेट में लिखो, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और जब कभी आप किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ो, जब कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ो, तो एज यूपीएससी एस्पिरेंट सबसे पहले पढ़ो कि वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो ये जो आपने लिखा है, कौन सा इंस्टीट्यूशन, IASSI इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडीज इन साइंस एंड, IASST, राइट। ये एक इंडिपेंडेंट, ये एक ऑटोनॉमी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। तो डैश देकर लिख लो, जो फुल फॉर्म लिखा था उसी में आप डैश देकर लिखो, एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन इन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन इन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन इन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। व्हाई आई मेड यू राइट टू राइट की ऑटोनोमस, यूपीएससी पूछेगी कि रिसेंटली ग्रीन पेनेसिया वॉज इन न्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट दिस। पहला ऑप्शन, IASST performed an experiment using green panacea to clean the dirty water. बिल्कुल सही है। न्यूज में क्यों है ग्रीन पेनेसिया, किस इंस्टीट्यूट ने परफॉर्म किया इस एक्सपेरिमेंट को, IASST ने। नाउ सेकेंड ऑप्शन, IASST इज एन अटैच्ड ऑफिस इन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। गलत, नॉट अटैच्ड बट autonomous, it is not attached but autonomous means independent body, इसका अपना director होगा। बात आई समझ में, जब कभी किसी organization institution को पढ़ो
तो एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ये किस मिनिस्ट्री और किस डिपार्टमेंट में है, और अगर मिनिस्ट्री के अंदर है तो ये इंडिपेंडेंट है कि अटैच्ड ऑफिस है। जो इंडिपेंडेंट होता है उसे ऑटोनोमस बोलते हैं। बात आई समझ में? देन क्या लिख रहे थे हम? मिनिस्ट्री पूरा बोलो, एक बार पूरा लाइन बोलो, शुरू से ग्रीन पेन से। यस, अच्छा हमने क्या लिखा, वाई इन न्यूज ना, हाँ वहां से। IASST performed an experimental studies using green panacea for the treatment of waste, WASTE, waste water, treatment of waste water। तो क्यों न्यूज में था ये? Why the green panacea was news? क्या किया गया है? एक एक्सपेरिमेंट किया गया, किस चीज का? वेस्ट वाटर को क्लीन करने का। नाउ वेस्ट वाटर क्या होता है? हिंदी तो मैं भी जानता हूं, व्हाट इज गंदा पानी? सीवेज वाटर। ओके, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री से निकलने वाला वाटर, क्या वो वेस्ट वाटर होगा? टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा वगैरह जहां बनता है, हम सबने रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे हैं, क्या ऐसा खेत में ऐसा अवेलेबल है? फील्ड में इस कपड़े की वजह क्या मिलता है? कॉटन के बॉल्स होते हैं ना, कभी गुजरात जाओ कॉटन की खेती होती है, महाराष्ट्र में भी होता है, कॉटन के बॉल्स होते हैं फ्लावर टाइप के, उन फ्लावर्स को मिला के बॉल बनाया जाता है, फिर ये फैक्ट्री में जाता है, फैक्ट्री में इनको डाई किया जाता है। अब डाई किया जाता है तो वाटर लगेगा, अब जो वाटर डाई करके निकला उसमें तो केमिकल्स भी होंगे ना, तो उनको ट्रीट करना है। आपके घर से निकलने वाले सीवेज को ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल काम है, वो ऑटोमेटिकली ट्रीट हो जाता है कभी कभी, तो फिर जानवर वगैरह उसे पीते हैं। आपके घर से जो पानी निकल रहा है, खास करके विलेज में, एज्यूम करो अगर आप कभी विलेज गए हो तो, आपके विलेज में आपका जो घर है वहां से निकलने वाला सीवेज वाटर एक बड़े से ऐसा पॉन्ड वगैरह में गिर रहा होगा, लेक वगैरह में गिर रहा होगा, और उसमें जानवर आके पानी पीते होंगे, हालांकि वो नेचुरली हो जाता होगा, उसमें एक खास टाइप का प्लांट पाया जाता है, वो बायोसर्फेक्टेंट, जिसको जल कुंभी बोलते हैं, वो गंदगी को सोख लेता है, केवल क्लीन वाटर रह जाता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि ग्रीन पैनेसिया इज रिलेटेड टू क्लीनिंग द वेस्ट वाटर, राइट? किस इंस्टीट्यूट ने किया है इस चीज को? IASST ने, इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडीज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। नाउ इसके अंदर की क्या बात है? ग्रीन पैनेसिया होता क्या है? मिक्सचर है ये, किस किस चीज का? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द फर्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बायोमेटेरियल्स। नाउ इसका और नाम दिया गया है, यूपीएससी बोलेगी चौथा ऑप्शन रहेगा, बायोपैनेसिया इज ऑल्सो नोन एज वंडर मिक्सचर, ऑब्वियसली वंडर मिक्सचर। अगर मैं आपको नहीं भी बताऊं कि इसे वंडर मिक्सचर कहते हैं तो वहां कॉमन सेंस अप्लाई करना, भाई एक मिक्सचर पानी साफ करके दे रहा है, ये वंडर वाली बात है कि नहीं? अरे ये वंडर है कि नहीं है? तो एक लाइन लिख लो यहां पे, ग्रीन पैनेसिया इज ऑल्सो नोन एज कौन सा मिक्सचर? वंडर मिक्सचर।